रहती, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक का काम करेंगे। अरे वार्ड सदस्य को यह तो काम है, वार्ड सदस्य को अपना मानदेय मिलता है, अनुरक्षक का भी मानदेय लगा, ये कहां का कानून है? एक आदमी दो पर बोल रहेगा, मैं वार्ड सदस्य हूँ, मैं वार्ड सदस्य हूँ, मैं दावा करता हूँ ऐसा कोई कानून नहीं है। एक आदमी दो पद पर आएगा, अगर एक मास्टर साहब है तो उसी मास्टर साहब को कलेक्टर के पद पर बहाल होना चाहिए, तभी आएंगे वार्ड सदस्य भी अनुरक्षक के पद पर आएंगे। अगर मास्टर साहब का कलेक्टर में बहाली होगा, दोनों पद उनको जब रहेगा तो यहाँ वार्ड सदस्य को भी दोनों पद रहेगा। अगर ऐसा नहीं कानून है तो वार्ड सदस्य का कोई अधिकार अनुरक्षक में नहीं बनना चाहिए, अनुरक्षक में नहीं बनना चाहिए। बोलिए क्या बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो ये सरकार घटिया के साथ रहा, हमारे नीतीश जी कांग्रेस के साथ रह करके 29-35 लेकर निकाल करके समाज में द्वेष पैदा कर दिए। खेत वाला कोई नहीं, जोहा मातोशी का नाम था, ये भारी हुआ 19 में 18 में 20 में और 21 में निकलता है, कब 22-6 21 को लेटर निकलता है 29-35, उसमें देता है जो अनुरक्षक का काम वार्ड सदस्य ही करेंगे। अरे वार्ड सदस्य का क्यों चल कर आया आप चले करवा देते डायरेक्टर से वार्ड सदस्य के बदले में अनुरक्षक का चल करवा देते। जब अनुरक्षक आया है पानी चलाने के लिए, सेवा करने के लिए, उसके जमीन में हो सरकारी जमीन में हो, उसको वार्ड के लोग बैठ करके उसको चयन किया है और वार्ड सदस्य को वोट गिरा करके 10 गो 15 गो 20 गो हम होबई ने जीत के आया है। तो जो जीत के आया है वो मुखिया जी के साथ काम करेगा, और जो पानी चला रहा है वो जनता से मतलब रखेगा, पानी चलाएगा। और जो भी सरकार से पैसा आया है वार्ड क्रियान्वय समिति के खाता में, अगर वार्ड सदस्य आप ईमानदार हैं, आप अगर बेईमान नहीं है तो वार्ड सदस्य को उठा के आप चेक करके दीजिए, चेक के द्वारा उस चेक में लिखिए अनुरक्षक फलाना करके उसको चेक करके दीजिए, क्योंकि सरकार का आपको ऐसा चिट्ठी है। अगर आपने 29-35 को देखते हैं तो देखिए 29-35 में क्या लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है पहले 2,000 रुपया अनुरक्षक के लिए, फिर देता है 2,000 रुपया अनुरक्षण के लिए। तो पहले दो भाग अगर है नहीं तो 29-35 में ही क्यों दिया, जो पहले 2,000 रुपया अनुरक्षक के लिए, तो अनुरक्षक का तो अनुरक्षक के लिए पहले है, और शेष राशि बचता है तो अनुरक्षण माने मरम्मत कीजिए आप उसको, आपका काम है देख रेख करना, वरना आपका काम पानी चलाना नहीं है। आप देख रेख कीजिए कहाँ फूट गया है, कहाँ लीक है, कहाँ बह रहा है, कहाँ मोटर खराब है, कहाँ स्टार्टर खराब है, उसको आप देखिए। लेकिन आपको तो जब से मिला है तब से आप चाबी छीनने वाला काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम अनुरक्षक का चाबी छीन लेंगे कि हमारा बपौती संपत्ति हो जाएगा, ये आपका बपौती संपत्ति नहीं होगा। आप है 5 साल के लिए, 5 साल एक दिन नहीं रहिएगा, 5 साल पूर्ण से पहले हो सकता है जो आपका पावड़ पहले ही खत्म हो जाता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले सरकार कहता है वार्ड मेंबर मुखिया दस्तक नहीं करेंगे, तो आपका पहले भी पावर खत्म हो जाएगा। और सब जिम्मा पावर वाले को अब गर्दन काटने का काम वार्ड सदस्य मत कीजिए, ऐसा कभी मत करिए। वार्ड सदस्य क्या नाम है आपका? वार्ड सदस्य वार्ड में सेवा करने के लिए है कि वार्ड में झगड़ा करने के लिए आते हैं? वार्ड का सदस्य है आप, तो सदस्य का काम है सेवा करना, और अनुरक्षक भी सेवा कर रहा, उसको मदद कीजिए कहाँ फूटा हुआ है। ऐसे करके बात बताइए अनुरक्षक की, आप अनुरक्षक के दहिना हाथ है, दहिना हाथ का काम है कि क्या गड़बड़ी है आपको, मोटर डर गया कि स्टार्टर डर गया कि तार डर गया या क्या हो गया, चलिए हम उसको ठीक करवाते हैं। कन्हा पर कोदारी, मैं भी वार्ड मेंबर हूँ, कन्हा पर कोदारी लेता हूँ, हाथ में खुरपी लेता हूँ, जहाँ पानी बह रहा है उसको ठीक करता हूँ। अभी जाएंगे हम बटन टीपने के लिए, मेरा काम वो नहीं है, वो अनुरक्षक का काम है बटन टीपना, बंद करना, कहाँ पानी देना कहाँ नहीं देना,
ये अनुरक्षक का काम है, अनुरक्षक को बारह में रात में लोग कहता है कहाँ था हो, पानी के जरूरी हो गया हो, हमारा यह बाबू मर गया थी ना, जाता है डराता है देखता है, अगर सही में बाबू मर गया थी ना तो पानी देता है, तो देर जब वक्त मरनी है शादी में ब्याह में सुख में शराब में वो देखता है उसका हक वार्ड सदस्य छीनिए रही, ये कभी सोचिए नहीं, ये कभी भी नहीं सोचिए, वार्ड सदस्य ईमानदारी से काम कीजिए, आपके वार्ड की जानवर समिति के खाता में पैसा आया तो आप उसको तुरंत चेक करके जो अनुरक्षक का हक है वो तुरंत चेक करके उसको दे दीजिए, ताकि उसके पास भी बाल बच्चा है, वहां भी बाल बच्चा उसको सोचेगा कि फलना वाला भैया फलना बउआ वार्ड सदस्य छी तो हमारा जल्दी से जरूरत थी फलना आदमी रहता थी नहीं दी जाती नाम कमाइए वार्ड सदस्य लोग नाम कमाइए मुखिया जी नाम कमाइए, पांच साल का अवधि है, पांच साल के अवधि के लिए दूसरे को पेट पर लात मत मारिएगा, और ये अनुरक्षक विभाग जब तक नल जल चलेगा तब तक अनुरक्षक रहेगा, नल जल कभी बंद होने वाला नहीं है, ये कभी बंद नहीं होगा नल जल, नल जल खराब होगा बनेगा, खराब होगा बनेगा, लेकिन सब दिन चलेगा। अब रही बात कल्याणपुर में, कल्याणपुर में मैंने जितना कल्याण कर दिया है अनुरक्षक के लिए, चूंकि बहुत लोगों को हमारे यहाँ दीपक सिंह फोन करके रोके हैं, ये मत आइए मत आइए मत आइए मत आइए वहाँ, अरे दूसरे संख्या बैठक, अरे कहाँ देख रहे दूसरा संख्या बैठक हो रहा, यही जितेंद्र कुशवाहा का देन है, जो कल्याणपुर में जगाने का काम अगर किया है उसका नाम है जितेंद्र कुशवाहा, जिनका घर है समस्तीपुर बाजार समिति मिथिलापुर में, और कल्याणपुर में भी वही लगा है, आज उन्हीं का मीटिंग देख रहे हैं, कहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तर के, कल्याणपुर में मैंने एक एक घर चंदा किया है, चंदा करने में कहिएगा चाहे कोई आदमी करते है दीपक सिंह की बदनामी या किसी की बदनामी, तो मैं किया हूँ चंदा, और चंदा किस लिए किए थे, जो हाई कोर्ट में केस करेंगे अनुरक्षक के पक्ष में फैसला होगा, अनुरक्षक का परिवार भूखा मरता है वो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन ऐसा हमारे दीपक सिंह अभी तक नहीं किए, पैसा तो हम लोगों ने लाखों चंदा करके दीपक सिंह के पास दिए, अब पैसा अब क्या किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, मुझे हम से पूछ करके आज तक कोई काम नहीं किए हूँ, पैसा चंदे करने का काम मैंने किया अभी तक, लेकिन काम क्या किया वो हमसे पूछे नहीं, और उतना ही नहीं इतना तक हुआ जो बाद में हमारे साथ इसका इतना बहिष्कार करना हमको शुरू कर दिए कि फोन करके लोगों को कहते हैं और उनका कोई अनुरक्षक है तो वार्ड सदस्य है वार्ड मेंबर है हाँ उनको क्या वैल्यू है बाबू, हम वैल्यू बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, मैं काम करके अनुरक्षक को दिखा दूंगा, आज तक दिखावे दीपक सिंह जो कहां अनुरक्षक के पक्ष में उनका दिया हुआ आवेदन पर कोई पदाधिकारी ने कोई चिट्ठी निकाला होगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कल्याणपुर में अनुरक्षक के पक्ष के लिए मैं समस्तीपुर डीपीआरओ से अनुमंडल पदाधिकारी से चिट्ठी निकलवा करके अनुरक्षक के पैसा दिलवाने का काम किया हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक दिलवाऊंगा, 76 वर्ष का उम्र हो गया है, सिर्फ दांत टूटा हुआ आपको नजर पड़ता होगा लेकिन एक केस पका नहीं है, लेकिन अगर 25 वर्ष का कोई लड़का है उसको पूरा पका हुआ तो कहिएगा जो हम जवान है नहीं हम बुढ़ा गए हैं, उम्र मेरा 76 वर्ष हो गया है, लेकिन काम 76 वर्ष वाला नहीं हुआ, काम 26 वर्ष वाला है, मैं 26 वर्ष दिखाऊंगा, यही कह करके मैं आप लोगों के साथ आग्रह करता हूँ कि फिर मौका मिलेगा तो दोहरा के कुछ कहेंगे, लेकिन तब तक मुझे 76 वर्ष की उम्र समझ करके थोड़ा राहत दीजिए और मैं 26 वर्ष वाला काम करता रहूंगा। सुमन जी से